हेलो दोस्तों, मैं कौशल आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि जो हमारे कौशिक सर हैं, उन्होंने एक चैनल क्रिएट किया है आपके लिए, स्टडी विद सीएसके। तो उन्होंने मेरे को एक ऑफ़र किया है कि रीजनिंग पढ़ाए, तो आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। और ये आपको बताना, मेरे को मतलब जो भी है, आपको कोई डाउट हो या कुछ भी आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कोई डाउट हो, या एक एज ए डेमो क्लास है आपकी आज ये। तो इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स कवर कराऊंगा रीजनिंग में। तो आज जैसे मैं पहला टॉपिक आपको कराऊंगा इमेजेस के बारे में, जिसमें मैं वाटर इमेजेस और आपके दर्पण इमेजेस कराऊंगा मैं, इसमें मिरर और वाटर इमेजेस कराऊंगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक आज देख ले रहे हैं। तो जो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप उसमें कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में, या कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको। और आप एक बार बता देना, जो भी आपका अगर लगता है आपको ये ठीक है या नहीं है, एक बार लाइक और डिसलाइक करके ज़रूर बता दें, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा इस तरह से। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका ये टॉपिक स्टार्ट कराता हूँ। वाटर इमेजेस में इमेज पढ़ लेते हैं हम आज, जैसे इमेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे तो इमेजेस में हम जैसे क्या पढ़ेंगे, दो टॉपिक्स पढ़ेंगे हम इसमें। जैसे वन पढ़ेंगे पहला मिरर इमेज के बारे में पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम इसमें वाटर इमेज, यानी कि दर्पण आकृति और जलाकृति। ठीक है, इसी के अंदर भी हम कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे मिरर इमेज में होते हैं हमारे टॉपिक्स, इमेजेस आ जाएंगी जैसे इसमें हमारी, जैसे कुछ चित्र हो गया, चित्र की इमेज आ गई, या कोई भी चित्र दे देगा आपको, उसकी मिरर इमेज पूछ लेगा कि हाँ इसकी मिरर इमेज क्या होगी, तो वो आपको बतानी होगी। दूसरा वर्ड इमेज पूछ लेगा, वर्ड इमेज पूछ लेगा आपसे। तीसरा पूछ लेगा आपसे टाइम इमेज के बारे में, यानी चित्र पूछ लेगा इसमें किसी का भी, कोई भी चित्र दे देगा आपको, इसमें वर्ड दे देगा यानी अल्फाबेट्स, यानी शब्द आकृति, शब्द आकृति। दूसरा समय आकृति। इसी तरह से हम तीनों टॉपिक हम इसमें भी ये कवर करेंगे, ठीक है, इमेजेस के, नंबर टू वर्ड, नंबर थ्री पढ़ लेंगे हम इसमें टाइम इमेज, ठीक है। तो इसमें हम ये टॉपिक्स कुछ क्लियर करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। तो देख लेते हैं हम पहला टॉपिक्स देख लेते हैं मिरर इमेज में। मिरर इमेज देख लेते हैं हम पहले। तो इसमें मैं पहले आपको छोटा सा एक डायग्राम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जो इस तरह से होगा हमारा। ये हमारा ईस्ट होगा, ये हमारा वेस्ट होगा, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे ये हमारी उत्तर पूर्व की डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारी दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी, ये हमारी दक्षिण पश्चिम की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये हमारी उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन हो जाएगी। ये कुछ डायरेक्शन हो जाएंगी हमारी, इन्हीं के भी आप हम देखेंगे। और इसी के एक टॉपिक बताऊंगा मैं, एक आपको इसी के अनुसार कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसी के बेस पे हमारा जो भी फॉर्मूला निकल बताऊंगा उसी पे हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जैसे मैं बात कर ले रहा हूँ मिरर इमेज में क्या होगा हमारा, सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे कुछ हमारे जो मिरर इमेज में क्या होता है हमारा, ये जो डायरेक्शन होती है
ईस्ट और वेस्ट, ये जो डायरेक्शन होती है इसमें क्या होता है, हमारा जो वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी ईस्ट में चेंज हो जाती है, यानी कि पश्चिम जो होता है वो हमारा पूरब बन जाता है और जो हमारा पूर्व होता है हमारा वो हमारा पश्चिम बन जाता है। ये क्या होते हैं, हमारे आपस में एक दूसरे में इंटरनली चेंज हो जाते हैं हमारे, ठीक है। जो मिरर के जैसे इस पार पूर्व की कोई डायरेक्शन होगी, जैसे मैं बता दूँ, जैसे हमारा ये मिरर है, मिरर के इस पार से ये मान लीजिएगा ये कोई लड़का है, ठीक है, मिरर के इस पार है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी उस साइड, जैसे उसका ये ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन है उसके, ठीक है, ये हमारी बेस्ट डायरेक्शन मान लेते हैं जैसे उसकी, तो इसके जो इस साइड जो होगा, ठीक है, तो उस साइड में हमारा ये इसी तरह से दिखाई देगा हमारा, ठीक है। ये क्या होगा, इस साइड आ जाएगी हमारी ईस्ट डायरेक्शन, ये आ जाएगी हमारी बेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या ये इंटरनली जैसे ये ईस्ट आ गया तो उधर जाके क्या हमारा चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, चेंज ईच अदर, ठीक है, या आपस में बदलते हैं। दूसरा क्या पॉइंट होगा हमारा, जो हमारा ये पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक हमारा जो साउथ है, जो ये डायरेक्शंस होगी इसमें क्या होगा हमारा, ये नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि आपस में नहीं बदलते, ठीक। यानी कि जो नॉर्थ की जो डायरेक्शन होगी, जैसे मिरर में हमारा ये हमारा मिरर होगा, मैं मान लूँ ये है कोई, ये कोई एरो है मेरा, जो डायरेक्शन इसकी, जो डायरेक्शन हमारी नॉर्थ में होगा, जो हमारा नॉर्थ में होगा वही मिरर के उस साइड भी क्या होगा हमारा, नॉर्थ में ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि ना कि वो नॉर्थ से हमारा बेस्ट पहुंच जाएगा, बेस्ट में मिलेगा या ये इस तरह से मिलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा ये नॉर्थ में जो डायरेक्शन होगी वो हमें नॉर्थ में ही मिलेगी, ठीक है, और या जो बेस्ट की डायरेक्शन होगी वो हमें बेस्ट में ही मिलेगी। ये आपस में कभी भी चेंज नहीं होते कि नॉर्थ हमारा बेस्ट बन जाएगा, बेस्ट हमारा नॉर्थ बन जाएगा, बस ये हमारा क्या इसी पर बेस होता है हमारा मिरर इमेज, ठीक है। हमें बस ये दो ही टॉपिक, दो ही पॉइंट हमें याद रखने होंगे मेनली, कि ईस्ट हमारा बेस्ट हो जाएगा और नॉर्थ और साउथ क्या होंगे, हमारे आपस में नहीं बदलेंगे, ये हमारे कोई भी चेंज नहीं होगा। इन्हीं को हम याद करते हुए, ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे, यही हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, इसी को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में और अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन वगैरह भी देख लेते हैं हम, जैसे इसमें मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ अभी, जैसे मेरा ये मिरर आ गया, ये मेरा एरो है, इसकी क्या डायरेक्शन है हमारी, नॉर्थ साउथ हमारा, तो ये मिरर के उस पार भी हमें क्या होगा, मिरर के उस पार क्या होगा हमारा, ये इसी तरह से हमारा मिलेगा, इस साइड ये बना हुआ तो उस साइड में हमें सेम यही दिखाई देगा, क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ पोल से मिलकर बना हुआ, इसमें ईस्ट और ये वाली ईस्ट डायरेक्शन है, ये बेस्ट है, तो ईस्ट डायरेक्शन और बेस्ट डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इधर दोनों सेम ही दिखाई देंगे, इसमें इस तरह से हमें कोई चेंज सा नहीं लग रहा, बट लेकिन यहाँ पे क्या हुआ हमारा चेंज हुआ है, ये वाली डायरेक्शन इधर आ गई है, ये वाली इधर हो गई, ये हमें सेम है ना, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी इसमें बदलाव होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या देख लेंगे हम यहाँ पे, जैसे मिरर इमेज में ये हमारा एरो आ जाएगा, तो ये मिरर के उस पार भी हमें यही दिखाई देगा, ठीक है, या फिर ये देख ले रहे हैं हम, इस तरह से देख ले रहे हैं, ये क्या डायरेक्शन है, जैसे हमने ये हमारा दिखा रखा है, इसको क्या, ये जो हमारे लाइन है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ना कोई से चेंज होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों लाइन हम सीधे देख लेंगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है हमारा, मिरर के हमारा स्पायर आ रहा है ना, तो ये मिरर के इस साइड चला जाएगा हमारा, ये स्टाइल जा रहा, ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और कुछ इमेजेस और देख ले रहे हैं हम, जैसे कोई इमेज हमारी ये इस तरह की कोई मेरी इमेज बन रही है,
तो उस साइड हमारी क्या इमेज बनेगी, जैसे हमारी ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की होगी। तो मैंने क्या बताया था, जो हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ पोल जो हमारा, वो तो हमारा कभी चेंज नहीं होगा, नॉर्थ तो हमारा हमेशा नॉर्थ ही रहेगा, ठीक है। जो ईस्ट है हमारा, वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, हमारा वेस्ट में। तो ये क्या डायरेक्शन आ जाएगी इसकी, डायरेक्शन आ जाएगी हमारी ये, ठीक है। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा हमारा, इस तरह की हमें लाइन मिलेगी, इस तरह से हमारा चित्र आकृति बनेगी हमारी इसमें। और देख लेते हैं, जैसे ये कोई इस तरह से कोई लाइन दे दे हमें, जैसे ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी हमारी, साउथ वेस्ट की आ जाएगी। साउथ तो हमारा चेंज होगा नहीं, तो साउथ तो साउथ रहेगा, वेस्ट को क्या कर देंगे, ईस्ट में, ठीक। तो इसका क्या आ जाएगा डायरेक्शन हमारी, ये आ जाएगी, ठीक ठीक है। सेकंड देख ले रहे हैं, तो जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे या जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी बेस पे होंगे कि हमें जो भी क्वेश्चन करने, बस यही पॉइंट याद रख के रखने कि हमें बेस्ट हमारा ईस्ट होगा, ईस्ट हमारा बेस्ट होगा, बस इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें अगले क्वेश्चन करने। तो जैसा मैं एक क्वेश्चन देख ले रहा हूँ, क्वेश्चन में देख ले रहे हैं ये वाला, ये मेरा एक चित्र है, आकृति आ गई जैसे मेरी, तो मिरर के हमें उस साइड हमें ये किस तरह से मिलेगी हम देख ले रहे हैं अभी। तो पहले हम इसमें सोल्व करने का तरीका तो हमें पता ही है, मैंने अभी आपको समझाया, तो उसी तरीके को हमें इसमें लगाते हुए हमें अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये हमारा देख ले रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है हमारी, ये तो नॉर्थ और साउथ के पोल में बन रही है, तो हमें ये तो सेम वही डायरेक्शन मिलने वाली है इधर हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को बना ले लेते हैं, ये डायरेक्शन हमें सेम मिलने वाली है, ये जो चित्र हमारा सेम मिलने वाला है, पहले हमने वो पॉइंट बना लिया। अब इसमें हमें क्या देखना है, अब हम देख लेते हैं पहले हम ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है हमारी, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को देख ले रहे हैं हम, ये लाइन क्या बन रही है हमारी, नॉर्थ ईस्ट बन रही है, यानी उत्तर पूर्व की, उत्तर पूर्व बन रही है हमारी, ठीक है। इसको किस चीज में चेंज कर देंगे हम, उत्तर पश्चिम में कर देंगे, ठीक। तो हमारी क्या उत्तर पश्चिम क्या आएगा हमारा, ये लाइन हो जाएगी कुछ हमारी, इस तरह की लाइन मिलेगी हमें। अब क्या ये वाली जो लाइन है हमारी सेकंड, हमने देखा ये हमारी स्ट्रेट लाइन है एक नॉर्थ और साउथ के पोल पे, ठीक है, यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण में जो हमारी एक लाइन बन रही है, पर इसको, ये तो हमारी कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं हम, ठीक। अब हमें क्या देखना है, अब हम देख लेते हैं पहले ये जो हमारा स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर है हमारा ये चित्र के, ये जो मिरर के इस पार है, तो ये उस पार में हमारा यही बनेगा ना, तो इसको देख ले रहे हैं हम यहाँ से, तो ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा मेरा यहाँ, ठीक। अब ये लाइंस देख ले रहे हैं, ये जो लाइन है, लाइंस की डायरेक्शन क्या है हमारी, लाइंस की डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ईस्ट ओरिजिन की डायरेक्शन, तो ये कहाँ चेंज हो जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में। तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन हमारी ये होगी ना, ये डायरेक्शन आ जाएगी हमारी, ये जो लाइंस है हमारी, ये इस तरह से लाइंस आ जाएंगी। तो जो हमारा मेनली जो चित्र जो बनेगा हमारा, ये इसमें हमें मिलेगा हमें, ठीक है, इस तरह की आकृति हमारी ये हमें मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से हमें अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करना है हमें, ठीक है। इसी तरह से मैं और भी एक दो क्वेश्चंस अभी आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि एक स्क्वायर देख ले रहे हैं, ये आ गया मेरा एक स्क्वायर आकृति आ गई इसमें,
ठीक, इसमें देख ले रहे हैं हम। ठीक, यहाँ पे हमें मिल जाता है, ये स्क्वायर मिल गया हमें जैसे। ठीक, या यहाँ देख ले रहे हैं कोई ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। तो हमें मिरर के उस पार हमें किस तरह से दिखाई देगा हमें, तो देख ले रहे हैं हम। पहले तो हमें स्क्वायर ही मिलेगा, इसको बना लेते हैं सबसे पहले, कोई जो हमारा चेंज नहीं होगा। पहले हम उस पोर्शन को देख ले रहे हैं, ये पोर्शन हमारा चेंज नहीं होगा ना, तो इसको बना ले रहे हैं पहले। ठीक, अब ये वाली लाइंस देख ले रहे हैं, ये वाली लाइंस, पहले ये वाला पोर्शन देख लो। ये वाला पोर्शन जो मिरर के पास होगा ना, वो मिरर के उस पार भी जो है ना, मैं पास में ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कहाँ बनेगा हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ बनेगा। इसकी पहले डायरेक्शन देख ले रहे हैं, ये वाले जो लाइन्स है हमारी, ये वाली लाइन्स हमारी क्या है, नॉर्थ ईस्ट लाइन्स हो रही है हमारी सभी। तो इनको कहाँ चेंज कर देंगे हम, नॉर्थ वेस्ट में चेंज कर देंगे। तो मैं इसमें जो इस वाले बॉक्स में आकृति मिलेंगी, नॉर्थ वेस्ट में मिलेंगी, जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन होगी वो हमारी ये कुछ इस तरह की डायरेक्शन होगी हमारी, नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, अब ये वाली लाइन्स देख ले रहे हैं हम, ये तो मिल गई हमें, बना ली ना हमने ये। अब लाइन्स देख लेते हैं हम, ये वाली नॉर्थ वेस्ट की लाइन्स है हमारी ये, या हम इनको बोल सकते हैं हम साउथ ईस्ट भी तो बोल सकते हैं ना, हम इनको साउथ ईस्ट में भी तो बन सकते हैं। तो साउथ ईस्ट को हम क्या चेंज कर लेंगे, साउथ वेस्ट कर लेंगे, साउथ ईस्ट मान लो, या ठीक है साउथ ईस्ट मान के कर लेते हैं, तो इनका साउथ वेस्ट मान लेते हैं। तो साउथ वेस्ट में हमारी लाइन्स क्या बनेंगी, ये बनेंगी, ठीक, इस तरह की लाइन्स हमें मिलेंगी, ठीक है। ये वाला तो यहाँ हो गया, ये तो स्क्वायर है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा हमारा सेम वर्ग, ठीक। अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी हमारा सेम बनेगा, इसमें कोई डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं होगा, इसको हमने बना लिया है। अब इसको देख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या हमारा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो रही है, तो इसको क्या नॉर्थ वेस्ट में चेंज कर देंगे हमारा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, इसको नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन देख ले रहे हैं हम, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आ जाएगी हमारी, सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना आपके, सभी क्वेश्चंस इसी तरीके से सोल्व होंगे, चाहे वो कोई से भी लेवल्स को, SSC हो, CGL हो, कोई से भी लेवल्स का आपका, सभी लेवल्स में इसी तरह से हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, कोई भी हो, ठीक है। इसी तरीके को हमें याद रखना है और अप्लाई करना है और क्वेश्चन करने, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद वाट इमेजेस में टाइम रह रहा है, बर्ड रह रहा है, बर्ड वाला देख लेते हैं। ये आ गया हमारा, तो हमें मिरर के उस पार किस तरह से मिलेगा ये देख ले रहे हैं। इसमें कुछ अभी चेंजिंग भी कर लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, लाइंस दी हुई हैं हमें, इस बार लाइंस ये दी हुई हैं हमें, ठीक। यहाँ पे दो पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक। तो ये तो हमारा कोई चेंज नहीं होगा ना, बाहर वाला सर्किल, तो पहले इसी को बना लेते हैं हम। ठीक है, ये तो सेम रहने वाला है, जो मिरर के फर्स्ट है जो शुरू में, वो हमें मिरर के शुरू में मिलेगा, तो ये तो हमें ये मिल जाएंगे, ठीक। अब इनकी क्या डायरेक्शन है, ये हमें कहाँ मिलेंगे, मिरर के उस पार मिलेंगे। ये पोर्शन भी हम लगा सकते हैं, जैसे ये मेरा हाथ है, इसको क्या करना है, ये मेरा चित्र है, इसको सेम इस तरह से पलट देते हैं, ठीक है। इसको ये इस तरह से पलट देंगे तो हमें उस पार की कहानी मिल जाएगी। जैसे हम इसको चेंज करेंगे, इस वाला पोर्शन पकड़ के, तो ये इस टाइप आ जाएगा, ये हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, उस साइड पहुँच जाएगा ना,
तो ये अब डायरेक्शन देख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी। डायरेक्शन तो हमारी ठीक है, ये वाली डायरेक्शन होगी नॉर्थ, ईस्ट की डायरेक्शन होगी नहीं होगी हमारी, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट हमारा नॉर्थ वेस्ट में चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट हम देख ले रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी, ठीक। फाइनली हमें ये जो आकृति हमें इस तरह की आकृति दिखाई देगी। तो सभी क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करने हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप अपना क्वेश्चन कीजिएगा इस तरह से और लगाइएगा इसको, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और है वर्ड इमेज का, वो और बता दे रहा हूँ। इसी में तरीका तो हमें यही लगाना सभी में, वर्ड इमेज बर्ड इमेज जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके बारे में देख ले रहे हैं हम, जैसे ए से बी जो हमारे जेड तक के जो लेटर्स हैं हम उनको देख ले रहे हैं, ठीक है। आज एक तो जैसे हमारा ए होगा, ए हमारा ये होगा, ठीक। वी, बी अधिकतर लोगों को शायद मालूम भी ना हो किस तरह से बनती है, ये नीचे वाला पोर्शन जो होता है ना वो हमारा बड़ा होता है कुछ। सी और डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, और ये जो पोर्शन होता ना ये यहाँ से निकला होता हमेशा, ठीक है। के, एल, एम, और ये जो पोर्शन होगा हमारा ये होगा ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू और ये एक्स और ये वाई, ठीक है, और ये आ गया हमारा जेड, ठीक है। तो ये कुछ तरह हमारा इमेजेस होंगे, इनकी हम मिरर इमेज देख ले रहे हैं। जैसे ए तो हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है, ए तो सेम रहेगा। अब बी देख लेते हैं, बी की हमारी मिरर इमेज किस तरह से बनेगी हमारी, ठीक है। तो बी देख ले रहे हैं, ये आया ना बी हमारा, ये आया हमारा इमेज, ठीक है। ये जो नॉर्थ और साउथ पोल तो सेम रहेंगे ना, ये आ गए। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो शुरू बनेगा ये, और ये कुछ आकृति इस तरह की बन जाएगी हमारी, ठीक है। ऐसे एक तरह से बना लेते हैं, ठीक। सी भी सेम है, सी भी इस तरह से बन जाएगी हमारी। डी भी बना लेंगे, डी भी चेंज हो जाएगी हमारी ये इस तरह से, ठीक है। ई, ई भी हम चेंज कर सकते हैं, नहीं ई चेंज नहीं होगा हमारा। एफ हमारा, ठीक है, एफ हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि एफ का ये जो पोर्शन होता है बड़ा होता है छोटा होता है हमारा, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं यार, ई जो है हमारा, हाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी, ई हमारा चेंज हो जाएगा। और जी, जी देख ले रहे हैं, जी बहुत से नहीं बनती है तो जी को हम देख ले रहे हैं। जैसे जी, जैसे हमारा ये है, ठीक, इसको मैं किस तरह से देखना है कि हमारा सी है, सी की तरह से देखना हमें पहले कि हमारा सी की तरह है हमारा, ठीक है। तो सी बना ले रहे हैं जैसे हम, ठीक। अब क्या, ये कर्व जो हमारा इस तरह से पीछे की साइड गया हमारा, ठीक। फिर क्या, ये हमारी नॉर्थ और ईस्ट लाइन है हमारी, नॉर्थ और वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट लाइन आ जाएगी हमारी। तो ये जो लाइन है यहाँ से, ये हमारी लाइन तो सीधी रहेगी ना नॉर्थ वेस्ट की। अब ये क्या है हमारी लाइन, ये देखो नॉर्थ और साउथ की लाइन है, नॉर्थ साउथ की लाइन हमारा इस तरह से आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो जी हमारा कुछ इस तरह से हमें मिलेगा।
एच हमारा चेंज नहीं होगा, आई नहीं होगा, जे हो जाएगा। जे को हम ये इस तरह से बना लेंगे, के के को देख ले रहे हम स्पेशली थोड़ा सा, ये है जैसे हमारा के इस तरह से बनता है, ठीक। ये वाला पोर्शन तो चेंज नहीं होगा ना ईस्ट साउथ और नॉर्थ का, इसको पहले बना ले रहे हैं हम। अब ये वाली लाइंस कहाँ जा रही है हमारी, ये वाली लाइंस जा रही है हमारी नॉर्थ और ईस्ट की, तो इसको क्या कर देंगे हम, नॉर्थ ईस्ट को कर देंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये लाइंस कुछ इस तरह की दिखाई देगी हमारे, ठीक। अब ये लाइंस देख लेंगे हम, ये लाइन है हमारी साउथ ईस्ट की लाइन है, इसको साउथ वेस्ट में चेंज कर देंगे हम, यानी कि ये इस तरह की दिखाई देगी हमें। तो के हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये वाला तो पूरा और ये इसमें से छोटा सा फटा हुआ, ठीक है, के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एल भी चेंज हो जाएगा हमारा इसी तरह से, एल ये हो जाएगा हमारा, एम चेंज नहीं होगा, एन एन चेंज होगा हमारा, ये है जैसे हमारा। तो ये तो हमारा सेम रहेंगे ना, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये हमारा डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट की, तो इसको नॉर्थ ईस्ट में चेंज कर देंगे हम, ये डायरेक्शन हमारी ई आ जाएगी, ठीक है। ओ हमारा चेंज नहीं होगा, पी हमारा चेंज हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। क्यू क्यू भी हमारा चेंज हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा। ये वाली डायरेक्शन देख लेंगे हम, ये हमारी साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट में आ जाएगी, तो इसको यहाँ कर देंगे साउथ वेस्ट में। और आर आर भी हम देख ले रहे हैं, आर भी चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है, आर देख ले रहे हैं हम, ठीक। ये तो हमारा सेम रहेगा, ये भी हमारा सेम रहेगा, ये जो है इसको देख लेंगे, जैसे हमारा साउथ ईस्ट है हमारा, तो साउथ वेस्ट में कर देंगे इसको यहाँ से, ठीक। एस देख ले रहे हैं, एस भी हमारा चेंज होता है, जैसे ये हमारा एस दिया हुआ है, इसकी क्या डायरेक्शन है ये देखो, पहले यहाँ से देखते हैं हम, सी टाइप का कर्व बन रहा है, तो इसको यहाँ से बनाते हैं पहले सी से, ठीक है। अब ये सी क्या है हमारा, इधर से सी बन रहा है हमारा, इसको उल्टा कर देंगे ना, ठीक, ये इस तरह से मिल जाएगा हमें, एस भी हमारा इस तरह से बन जाएगा। टी हमारा चेंज नहीं होगा, यू नहीं होगा, वी नहीं होगा, डब्ल्यू भी नहीं होगा, एक्स भी नहीं होगा, वाई भी चेंज नहीं होगा हमारा, जेड हमारा चेंज हो जाएगा, जैसे जेड ये तो हमारे नॉर्थ, ये तो हमारे चेंज नहीं होंगे ना, ये डायरेक्शंस कौन सी आ जाएंगी हमारी, ये आगे हमारी नॉर्थ ईस्ट की, तो इसको नॉर्थ वेस्ट में कर देंगे, नॉर्थ साउथ में, ये हमारी डायरेक्शन कुछ हो जाएगी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है तो हमारी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से ये हमारे कुछ जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये चेंज होंगे हमारे, ठीक है। ये भी उसी बेस पे है, सभी क्वेश्चंस इसी ट्रिक से होंगे हमारे टोटली, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमारे इसी बेस पे होंगे और देख ले रहे हैं। इसमें हमारे क्या है, कुछ एक सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें कुछ अल्फाबेट्स हैं जो हमारे जो आपस में ये जो कभी नहीं बदलते, यानी कि बोल सकते हैं हम, हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने शब्दों की दर्पण आकृति नहीं बनती, तो इसमें हमारे कितने हो जाएंगे, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारे 11 होते हैं हमारे जिनकी हमारी दर्पण आकृति नहीं बनती, ठीक है। तो यही कुछ होगा, यहीं तक हमारा आज का सेशन रहेगा, बाकी का मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। इसमें हम आगे पढ़ लेंगे, जैसे कि इसमें भी समय समय आकर समय वाले क्वेश्चंस रह गए हैं, फिर और दर्पण जो जल प्रतिबिंब है उसी में भी हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं,
ठीक है। लेक्चर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल्स को, और जो नए हो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये लेक्चर हमारा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।